नमस्ते। आशा है आप लोग क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग और क्रिया कुंडलिनी जागरण से आनंद की प्राप्ति कर रहे होंगे। ये स्टेप 1 से 10 तक का जो अब तक स्टेप 1, 2, 3, 4, 10 तक जो आया और 10 के बाद आज के दिन 22वां दिन, 21 दिन ख़त्म होने के पश्चात 22वां दिन आज फरवरी 6, 2021 शनिवार का दिन हम स्टेप 11 की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग स्टेप करते जा रहे हैं, स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोग ये महसूस करते जा रहे हैं या आप लोग जो भी इस क्रिया कुंडलिनी जागरण या क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग को करते जा रहे हैं, वो लोग ज़रूर ये महसूस करते जा रहे हैं, इस अनुभव को पा रहे हैं कि हम देवत्व के कितने पास जा रहे हैं या देवत्व हमारे कितने पास हैं। हम कई अनुभूति हमें होती जा रही है, कई अनुभव हमें होते जा रहे हैं जो हमें और देवत्व के पास लाते जा रहा है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम देवत्व के कितने पास। ग्रुप के बहुत से सदस्य एवं यूट्यूब के सदस्य हमेशा अपने अनुभव को इस प्रकार कहते हैं कि वो महाअवतार बाबा जी को अपने इर्द गिर्द पाते हैं। जब भी वो क्रिया कुंडलिनी जागरण या क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग का अभ्यास करते हैं तो उन्हें महाअवतार बाबा जी को अपने पास होने की अनुभूति होती है। वो सोचते हैं कि महाअवतार बाबा जी बिल्कुल उनके इर्द गिर्द ही हैं, ना कि केवल महाअवतार बाबा जी बल्कि कई लोगों ने सिद्धाओं को, सिद्ध लोगों को, सिद्ध महापुरुषों को अपने पास पाया है। ये अनुभूति उन लोगों को होते जा रही है। और हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने पहले भी एक बार कहा था आप लोगों से कि बाबा जी सन्निधान नाम का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे बहुत से सदस्य हैं और उन सदस्यों का तो हर एक रोज़ प्रत्येक दिन वो लोग अपने अनुभवों को इसमें डालते जाते हैं और उसे पढ़कर बहुत खुशी भी होती है हम लोगों को। चाहे वो छोटे उम्र वाले हों या अधेड़ उम्र के हों, बूढ़े हों, वे लोग अपने अनुभवों को निरंतर व्यक्त करते ही जा रहे हैं। के व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप के कई सदस्य लोग हम लोगों के मार्गदर्शन पर, गुरु जी के मार्गदर्शन से, बाबा जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिसे बिंदु का नाम दिया गया है। बाबा जी सन्निधान के सदस्य अपना एक जो ग्रुप शुरू किए हैं उसे उन्होंने बिंदु का नाम दिया है और अपने उस ग्रुप में वे लोग हम लोगों के अनुभवों को एवं अपने अनुभवों को डालते जाते हैं। निरंतर रूप से ये कार्य चलता ही जा रहा है और ये बाबा जी, महाअवतार बाबा जी के मार्गदर्शन से होता जा रहा है। इतना ही नहीं, कई लोगों को कई जटिल प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो वो सोचते हैं कि शायद इसका उत्तर वो कभी अपने जीवन में पा ही नहीं पाएंगे, और ऐसे प्रश्न का उत्तर महाअवतार बाबा जी के मार्गदर्शन से गुरु जी उन लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये निरंतर चल रहा है। और इस बीच हम लोगों ने बाबा जी सन्निधान में लोगों के कल्याण के लिए, अपने सदस्यों के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए हम लोगों ने हवन रखवाया कुछ दिन पहले, जिसमें हम लोगों ने 16 से 17 तरह के हवन करवाए। ये विस्तृत समारोह जो है ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर चला और सबके कल्याण की कामना से इसे वासुदेव कुटुंबकम कहा जा सकता है। कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो या कोई भी द्वीप हो जो बाबा जी के, महाअवतार बाबा जी के चरण कमलों तक पहुंच जाता है तो समझो कि वो तर जाता है।
इसका एक कारण है, हमारे इस बोलने का एक तात्पर्य है। कई लोग जिसे हम लोग जानते भी नहीं हैं, वे लोग भी, कई लोगों को जो बीमारियां होती हैं, कई लोग बहुत ही सीरियस कंडीशन में रहते हैं, वे लोग हम लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि वे बाबा जी का आशीर्वाद पाना चाह रहे हैं और वे लोग बाबा जी की कृपा चाहते हैं। हम लोगों के बोलने से वे लोग अपनी फ़ोटो भेजते हैं और हम लोग बाबा जी के चरण कमलों के पास उनकी फ़ोटो को रख कर कामना करते हैं या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी होगा, जैसा अभी हमने कहा, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी लोग हो जो बाबा जी के चरण कमलों तक पहुंच गए तो समझो तर गए। और ये फ़ोटो अगर आप देखेंगे हमारे बाबा जी सन्निधान में, बाबा जी के मंडप के पास या बाबा जी के चरण कमलों के पास बहुत से फ़ोटो हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी प्रार्थना की जाए। और चाहे जो फ़ोटो के रूप में हो या खुद शारीरिक रूप से यहाँ पहुँचे या कोई सोच में भी बाबा जी के चरण कमलों तक पहुँच गए तो वो ज़रूर उद्धार हो जाते हैं, उन्हें ज़रूर बाबा जी की कृपा मिल जाती है। कई लोग जो फ़ोटो भेजते हैं वो कहते हैं कि ये फलाना अस्पताल में है, कोई कहता है कोई इस अस्पताल में है, कोई उस अस्पताल में है, कोई बहुत ही गंभीर अवस्था में है, तो बाबा जी के चरण कमलों में उनकी फ़ोटो को रखकर प्रार्थना की जाए। और ऐसा होता है कि उन्हें बाबा जी की कृपा उन तक पहुँच जाती है। कई फ़ोटो को जो हमारे बाबा जी के चरण कमलों के पास रखा हुआ है, कई फ़ोटो हैं जिन्हें हम लोग निकालते हैं, जो ठीक हो गए हैं उन्हें हम लोग वहाँ से निकालते हैं, और फिर कई फ़ोटो आ जाते हैं जिन्हें हम वहाँ फिर रख देते हैं उनके चरण कमलों में। इतना ही नहीं, जो बाबा जी के द्वारा दिया गया क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग और क्रिया कुंडलिनी जागरण की क्रिया कर रहे हैं वो भी बहुत ही धन्य हैं, उन्हें बाबा जी का आशीर्वाद पूरी तरह से है। अभी हाल ही में हम लोग बाबा जी के जाने का प्रोग्राम बनाए हैं जो मार्च में है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट या इसके बारे में हम लोग YouTube में नहीं डाले थे। एक और भी ग्रुप का नेतृत्व हम लोग करने जा रहे हैं जो शायद अप्रैल में होगा, तो आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर कोई ये चाहता है कि वो बाबा जी के ओर जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके तो वे लोग जल्द ही अपने नाम को भेजें, क्योंकि जैसे ही हम लोग बोलते हैं, अनाउंस करते हैं, दो तीन दिन के अंदर ये पूरा सीट फुल हो जाता है और हम लोगों को उन्हें ना करना पड़ता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग नेक्स्ट का जो अगला जो बाबा जी के ओ का जो प्रोग्राम बनेगा, जैसे ही हम लोग YouTube में डालेंगे या जैसे ही आप उस वीडियो को देखेंगे, आप अपना नाम भेज दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर ऐसा ना हो कि हमें ना करना पड़े उन्हें। जैसा कि अभी हम लोग मार्च के इस बाबा जी के प्रोग्राम के लिए भी कई लोगों को हमें ना करना पड़ा, जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। एक बात का दिलासा हम ज़रूर देना चाहेंगे कि अगर आप बाबा जी के लिए कुछ रुपए खर्च करते हैं तो ये ज़रूर है, ये संभव है कि उस रुपए के 10 गुना या 100 गुना तक वो आप तक पहुंच जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपको पैसे के रूप में ही पहुंचेगा, बहुत सी चीज़ों के रूप में आप तक पहुंच जाएगा। आप अपने आप को बहुत ही सुखद महसूस करेंगे, बाबा जी की केव जाना ही एक सुखद है, इसलिए कृपया आप लोग तैयार रहिएगा। ये कुछ 6 से 7 दिन का ही ट्रिप होगा, ज़्यादा नहीं। हम चाहते हैं कि आप इस अवसर को मत खोइएगा, क्योंकि सीट बहुत जल्दी भर जाता है। और आज हम स्टेप 11 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। स्टेप 10 में बहुत से रहस्यों का उजागर हुआ और कई लोगों को शायद इसे समझने में कठिनाई भी हुई, तो उन लोग को हम ये कहना चाहेंगे कि आपको अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है, कुछ लोगों को,
तो उन लोगों को इस स्टेप 11 में ज़रूर कुछ समझ में आएगा। और अगर इसे भी ना समझ सके तो स्टेप 12 में पूरी तरह से स्पष्टीकरण उनको हो जाएगा। हम लोगों ने स्टेप 10 में बहुत कुछ देखा, जैसे सकल शिवा, निष्कल शिवा, पुरुष और प्रकृति, लिंग, योनि, शिव, पार्वती, बहुत सी जानकारी को सिद्ध किया गया। ज्ञान से हम और भी अधिक जानकारी प्राप्त किए, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा से ज्ञान आता है और ये हमें बहुत सी जानकारियों को देता है। और इस जानकारी को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत सी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें इधर से उधर कुछ ढूंढना पड़ता है, प्रकटना पड़ता है, जैसे स्टेप 10 में हम लोगों ने बताया था। आज स्टेप 11, आज शनिवार 6 फरवरी 2021 स्टेप 11 शुरू करने जा रहे हैं। और फिर इसी तरह 21 दिन के पश्चात 22वें दिन अर्थात फरवरी 27 को हमारा फिर स्टेप 12 शायद आ सकता है। शायद से क्या तात्पर्य आप समझ गए होंगे। हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि जब तक बाबा जी की ओर से, महाअवतार बाबा जी की ओर से हम लोगों को नहीं आता है तो हम लोग आप लोग के समक्ष नहीं आ पाते हैं। और इसी तरह जैसे स्टेप 11 आज हम लोगों तक पहुंचा और हम कैमरे के सामने आप तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। स्टेप 11 कुछ जटिल है। अगर हम सोचें जटिल है तो ये बहुत जटिल है, और अगर हम सोचें ये बहुत सरल है तो ये बहुत सरल है। स्टेप 11, 11 नंबर जो है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, 11वां स्थान जो है, 11वां घर जो है वो लाभकारी है, अर्थात लाभ का घर है। और 12वां घर जो है वो व्यय का है। 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का ही क्यों ना हो। तो इस लाभ के लिए हम चाहते हैं कि जो भी इस स्टेप को देख रहा है, जो स्टेप को कर रहा है, उन्हें भी हर तरह के लाभ प्राप्त हों। जैसे 11 से तात्पर्य हम गणपति का स्तोत्र पढ़ते हैं, 11 श्लोक का जप हम करते हैं। 11 से तात्पर्य जब हम किसी को कुछ देते हैं तो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, ये एक जो है ये मटेरियल को, धातु को इंगित करता है और ये लक्ष्मी को इंगित करता है, लक्ष्मी की ओर दिखाता है। अर्थात ही एक जो है उसका बहुत ही महत्व रहता है। ये एक अद्भुत नंबर है, 11 एक अद्भुत नंबर है, क्योंकि 10 जो है वो भाग हो जाता है, ये भागित है 10 तक, लेकिन 11 भागित नहीं है, वो किसी भी नंबर से भागित नहीं होता है, क्योंकि उसमें शेष बच जाता है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से भागित नहीं हुआ। एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 11 जो है वो हम रेलवे लाइन को ले सकते हैं। रेलवे की पटरियां जो हैं वो एक साथ चलती है, लेकिन वो मिलती नहीं, उनका मिलाप नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे से अलग भी नहीं होती हैं, वो एक साथ चलती जाती है। मिलने का स्थान होता है वो है शक्ति। अब जैसे मेल फीमेल, एक और शिवा है, एक और एक शिवा और शिवा, जैसे स्टेप 10 में हम लोगों ने आपको बताया था, अगर आप उसे सोच सकते हैं तो आप समझेंगे इस बात को। एक शिवा है, एक और एक शिवा और शिवा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी है, महिला पुरुष जरूरी है, लिंग योनि जरूरी है। केवल लिंग और लिंग कुछ नहीं कर सकते, मेल फीमेल आवश्यक है उत्पन्न करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। लिंग और लिंग कुछ नहीं कर सकता, काम डिज़ायर, क्रोध, एंगर,
लोभ अनडिजायरेबल या बिना कारण पाने की इच्छा रखना, मोह अनवांटेड अटैचमेंट, मद अनवांटेड प्राइड, मत्सर्या बिना मतलब अनवांटेड स्पर्धा। स्पर्धा क्या है? किससे स्पर्धा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? इसका कुछ पता नहीं है, इसको कोई नहीं जानता। छः, ये छः रिपोस हैं जो मानव के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। ईगो मनुष्य को करीब करीब ख़त्म ही कर डालता है। ये छः और इसमें दो और जुड़ते हैं, वो है असूया अर्थात ईर्ष्या, जेलस, और दूसरा है दंभ। दंभ का मतलब है अपने आप को सबसे ऊपर समझना, अपने ही में रहना, अपने आप को सबसे ऊपर समझना। ये जो आठ रवैये हैं, ये रजत तमस और सत्गुणों से जुड़ता है। आठ और ये तीन लोगों के कैरेक्टर को दर्शाता है। मेल और मेल कुछ नहीं कर सकते, फीमेल और फीमेल कर सकते हैं कुछ। ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा, ये हम देखते हैं। पहले के स्टेप 10 में हमने देखा कि एक लिंगा और योनि, दूसरा जो है योनि। योनि का मतलब है क्रिएटिविटी अर्थात बनाने की प्रक्रिया। कुछ भी बनाने के लिए बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। ये लिंग है वो कुछ नहीं कर सकता, दो मेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन किंतु आगे कुछ हो सकता है। कोई शंका नहीं कि लिंग जो है देवत्व को दर्शाता है, ईश्वर को दर्शाता है। लिंग क्रिएटर भी है, लेकिन इसके साथ जुड़ने के लिए संभव है फीमेल का होना या योनि का होना। मेल में फीमेल पावर होता है और फीमेल में मेल पावर भी होता है। मेल में जो फीमेल पावर होता है वो उस ऊर्जा को और दूर कर देता है, वो कुछ दूर में रहता है। लेकिन जो फीमेल में जो ऊर्जा होती है, मेल ऊर्जा जो होती है, जो फीमेल होती है उसमें मेल ऊर्जा होती है। ये कैसे, अगर हम आपको दर्शाते हैं, जैसे ही एक ही है और शी में ही भी है अर्थात SHE शी है। जैसे अपन कहते हैं श्री एक ही है, लेकिन श्रीमती में श्रीमती के साथ श्री भी जुड़ता है अर्थात फीमेल में मेल भी होता है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि दो वंश हैं, वंशों के नाम आप लोगों को मालूम होंगे। जैसे खास जो वंश हैं वो है सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य या वैवस्वत, उनके बेटे मनु के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। मनुस्मृति, मनुनीति, ऐसे बातें आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो जो सूर्य वंश के को शुरू किया या उनके फाउंडर हैं वैवस्वत, और इसी प्रकार जो मनु के नौ बेटे इक्ष्वाकु जो हैं, मनु के नौ बेटे में एक है, उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था इला। लेकिन कुछ कारणों के कारण उसे अपने भाइयों के साथ रहना नहीं अच्छा लगा, वो घर से निकल पड़ी। और जैसे ही वो घर से बाहर गई उसने अपना लिंग परिवर्तन कर लिया अर्थात वो महिला से पुरुष हो गई और उसने एक वंश शुरू किया जो कहलाया चंद्रवंश। अभी चंद्रवंश कहाँ से आया, अब आप सोच सकते हैं, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मेल से फीमेल और फीमेल से मेल और फिर उसमें आगे रिप्रोडक्शन या उसमें और बढ़ने की प्रवृत्ति। तो ये जो शुरू की, आखिर वो एक महिला थी, बाद में वो पुरुष बनी,
लेकिन पुरुष बनने के बाद ही उसने चंद्रवंश को शुरू किया और ये वंश फिर बढ़ता गया, लेकिन ये पहले महिला थी। अब आप कुछ समझ सकते हैं उसको। मनु जो हैं वो सूर्य के पुत्र हैं। इस प्रकार लिंगा पूरी तरह सचेतन और योनि क्रिएटिव पावर, लिंग सकल शिवा और योनि जो है वो निष्कल शिवा। अब यहाँ ध्वनि उठते उठते उठाते हुए हम लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो तमिलनाडु के तंजावुर जगह में एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध भी है। सिद्ध करवूरर जो हैं उन्होंने 6-7 वर्षों में ही इस इतने बड़े प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण उन्होंने किया और इसका जो कारण था वो था मंत्र। यही तंजावुर से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसे तिरुविडई मरदूर कहा जाता है। तिरु का मतलब है श्री, विडई का मतलब है उत्तर, मतलब प्रश्नों के उत्तर, और मरदूर जो है वहाँ के राजा थे तो उनके नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। वहाँ पर जो मंदिर है वो बहुत ही बड़ा है। उस मंदिर को देखने से आश्चर्य लगता है। वहाँ की जो पत्थर हैं बहुत ही चमत्कारिक पत्थर हैं, बिल्कुल एक से एक लगे हुए ऊपर की ओर। ये कैसे रखे गए, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को इसे कैसे रखे गए? ये मंत्रों से हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? मंत्र के जाप करने से वे लोग जो सिद्ध लोग थे वे मंत्रों का जाप करते थे और उनका जो जाप था ये मंत्र उन पत्थरों से टकराते थे और जैसे ही वो मंत्र उस पत्थर से टकराता था वो पत्थर उठने लगते थे और उठते उठते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार सीरीज में बैठना या पैरेलल में इस प्रकार वे लोग उसे रखते जाते थे और इस प्रकार उसका निर्माण वे लोग करते थे। मंत्र का बहुत महत्व है। ये संभव है, असंभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप हम देखेंगे अभी का तो जो ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है और जो हवाई जहाज उड़ता है तो उसे रिमोट से ही वो करते हैं, ना कि कोई मनुष्य उसे उठाता है। आप देख सकते हैं इसे, इसी में अपन समझ सकते हैं। अगर हम बहुत गहराई में जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उसमें मनुष्य का बल बिल्कुल भी नहीं लगता लेकिन वो ऊपर उड़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मंत्रों में भी शक्ति होती है, देवत्व की शक्ति। अगर हम लोग बहुत गहराई में जाएं तो हम समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास कितनी शक्ति है। महाअवतार बाबा जी हम लोगों को इसी अभिव्यक्ति को बताना चाहते हैं। वे हम लोगों को और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। हम लोग ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। मटेरियल, मटेरियल लाइफ, धातु, पैसा, ये प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं कि हम लोग अर्थात गुरुजी और हम कोई जो रेमेडी बना कर देते हैं जिसमें हम लोग किसी विशेष मंत्र का जाप भी हम लोग करने के लिए कहते हैं और उससे वे लोगों को वो सब चीज़ प्राप्त होता है जो वो लोग चाहते हैं वो मटेरियल लाइफ में। जैसे उनके पास बैंक में पैसा नहीं है तो भर जाता है समझिए, या उनका बिजनेस, उनका व्यापार पूरी तरह से गिर गया है तो वो आगे आ जाता है। हाँ, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आया तो क्या, लेकिन आपकी वो इच्छाएं पूरी होती हैं, वो चीज़ पूरी होती है जिनके द्वारा जीवन जिया जा सकता है। ये संभव है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ही ग्रुप में कुछ सदस्य हैं जिनका नाम हम लेना नहीं चाहते लेकिन वो लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा हाथ ही में आए, बल्कि उनका काम हो गया ये आवश्यक है और ये संभव भी है। इस रहस्य को आप समझ सकते हैं। ध्वनि के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है, मंत्र के द्वारा। जो कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो,
आप कहीं से कहीं तक जाकर आ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया था एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी से तात्पर्य आप समझ सकते हैं सूक्ष्म शरीर। फिजिकल शरीर में ही जाना जरूरी नहीं है, आप अपने मंत्र गणना से या ध्वनि से आप महाअवतार बाबा जी के चरण कमलों तक, देवत्व के चरण कमलों तक जाकर उन्हें छूकर आप वापस आ सकते हैं सूक्ष्म शरीर से। इस प्रकार जो ध्वनि है वो हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है और जो मंत्र है वो बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देता है। जब हम अपने आप को और भी अवेयरनेस में ले जाते हैं, जागृत अवस्था में ले जाते हैं, तो हम अपने आसपास बहुत ही चमत्कारिक परिणाम पाते हैं। 11 हमेशा 11 ही रहता है, वो कभी स्पर्श नहीं करता। मेल एनर्जी कभी आपस में मिलती नहीं है, वे अलग ही रहते हैं। इस बात को समझने के लिए, अब इस सब बातों को समझने के लिए, गहराई में जाने के लिए एक प्रयोगात्मक क्रिया बहुत ज़रूरी है। आज हम उसमें एक भाग लेते हैं और इसके पश्चात जो स्टेप 12 आएगा आप इसमें पूरी तरह से आपको स्पष्टीकरण इसका मिल जाएगा। जो समझ गए हैं स्टेप 10 तो वो स्टेप 11 भी समझ जाएंगे और 12 भी, लेकिन जो अगर स्टेप 10 नहीं समझे हैं तो 11 उन्हें जरूर कुछ ना कुछ भ्रमित करेगा और 12 जो है उन्हें पूरी तरह से स्पष्टीकरण देगा। और इसे आप 21 दिन तक करते हुए आनंद की प्राप्ति कीजिए और फिर आपको ही इसकी अनुभूति होगी। आप समझ सकेंगे, स्टेप 12 के बाद आप समझ सकेंगे कि आपके पास जो खजाना है वो खुल गया है और उस खजाने का आप आनंद ले रहे हैं। कहीं आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि जो मधुमक्खी है अगर वो ना हो तो मानव किरणें नहीं होगी। अगर हम इसे उल्टा लें तो ये कह सकते हैं कि मधुमक्खियों का होना या मधुमक्खी जब तक इस धरती पर हैं तब तक मानव किरणें जो हैं वो बहुत लाभान्वित होती रहेगी, बहुत ऊर्जा प्राप्त करती रहेगी। मानव किरणें बहुत ही सुबोध को प्राप्त करेगी, दीर्घायु को प्राप्त करेगी और इस प्रकार आगे जाते ही जाएगी। लेकिन जब मधुमक्खी का खात्मा हो गया तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मनुष्य जन्म भी खत्म हो जाएगा, मनुष्य पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। और जो आज का प्रयोगात्मक क्रिया जो है वो इसी का प्रतिबिंब है, अर्थात मधुमक्खी के बारे में जो हमने बताया उसी का प्रतिबिंब है। हालांकि इस बारे में गुरुजी ने YouTube के सदस्यों से भी चर्चा की है और कुछ सदस्यों से भी चर्चा की है, और भी कई चीज़ें हैं जो गुरुजी आपको आगे ज़रूर उनके अनुभव को भी और डालेंगे, कुछ बातें हैं जो डालना चाहते हैं वो। अब ये जो प्रयोगात्मक है, आज का जो प्रयोग है वो हम आप लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि जिनके कानों में दर्द है या जिनके कानों में लीकेज है, जिनके कानों में पीड़ा है, वे इस प्रयोग को ना करें तो अच्छा होगा। अब आप लोग बिल्कुल सीधा बैठेंगे जैसे हम लोग हर बार कहते हैं, लेकिन इस समय का जो हम बोल रहे हैं वो अच्छा होगा कि आप फर्श पर बैठें जो समतल है, या आप ऐसे जगह पर बैठें जो बिल्कुल समतल है और आपकी ये दोनों जो पैर हैं वो बिल्कुल भी फैले हुए हों, अर्थात आपके घुटने फर्श को छूते हुए हों। इस प्रकार आप बैठेंगे, आपका पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा, आपकी आँखें बंद रहेंगी। अब ये क्या है एक बार हम जो आपको बताते हैं, ये जो है अपने हाथों की ये उंगली, पहली उंगली तर्जनी जो है, इससे आप कानों को बंद करेंगे। दरअसल ये जो प्रयोग है ये इस प्रकार किया जाता है, लोग इस प्रकार करते हैं, इसे इस उंगली से कानों को बंद करते हैं, इस उंगली से नाक के पास रहेगा और ये जो दोनों हैं ये होठों को बंद करता है इस प्रकार।
लेकिन आज हम लोग जो करेंगे बिल्कुल सिंपल रहेगा, हमें उतनी दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग में केवल एक सेल है, अर्थात सांसों को बाहर छोड़ना है। सांस आप अंदर ले लेंगे एक बार, और जब आप बाहर छोड़ते जाएंगे तो इसमें गुनगुनाने की आवाज़ आपको आनी चाहिए, जैसे मधुमक्खी की आवाज़ आपने सुनी होगी, ये आवाज़ आती है इसमें। तो आपकी ये पहली उंगली जो है, आपके दाएं हाथ की पहली उंगली दाएं कान में, बाएं हाथ की पहली उंगली बाएं कान को बंद करेगी। आपकी आंखें बंद रहेंगी और आपके होंठ बंद रहेंगे, एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, लेकिन अंदर के जो दांत है वो ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसा अलग रहेगा, दोनों ऐसा रहेगा, बिल्कुल दोनों एक दूसरे से मिले नहीं रहेंगे, है ना। तो अब जो है हमें तीन बार इनहेल और एक्सहेल करना है, जैसे ऐसे तीन बार इनहेल और एक्सहेल करने के पश्चात अपने आप को पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में आप रहेंगे। अब आप शुरू करेंगे, आपकी आंखें बंद रहेगी, आपकी आंखें बंद करेंगे, आपके दोनों दाहिने हाथ हथेली की पहली उंगली दाहिने कान में, बाएं हाथ की पहली उंगली बाएं कान में बंद करेंगे आप इसे, और ये ध्वनि आप निकालेंगे, अर्थात जब आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करने के समय आपके ये सब बंद रहेंगे, जैसे। और ये जो क्रिया है ये 10 बार आप करेंगे, 11वें बार करने की आवश्यकता नहीं है, 10 बार तक आप इस क्रिया को करेंगे, और उसके पश्चात क्या करना है हम बताते हैं आपको। तो अब आप आंखें बंद करके दोनों उंगलियों से कानों को बंद करते हुए इनहेल करेंगे, इनहेल, ये पहली बार हुआ। ये जो आपका एक्सहेल करने के समय जो ध्वनि आपको आ रही है ये बाहर कहीं नहीं जाएगी, आपके अंदर ही आपके ब्रेन में जाएगी, और आपके ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं उनसे होते हुए वो सब जगह घूमेगी, अर्थात आपकी जो कोशिकाएं हैं वो ओपन होते जाएंगे, खुलेंगे, और आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। इसमें जो आपकी जो खोई हुई यादें हैं और आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है ये सब खुलेगी, इसमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं आता, नेगेटिव कहीं से भी नहीं आएगा, और ये आपके ही तक ही सीमित रहेगा। इसके पश्चात अब हम दूसरा स्टेप करते हैं, इनहेल, ये हुआ दूसरा स्टेप। अब आपको ऐसा महसूस जरूर होगा, आपकी जो बिंदु है इस बिंदु से फैलते हुए ये ध्वनि जो है आपके साथ साथ चल रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये ध्वनि आपके साथ चलते 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 बहुत दूर देवत्व के चरण कमलों को मानो छूकर वापस आएगी। तो ये बिल्कुल पैरेलल जैसे रेल की पटरियां हैं उस प्रकार ये आपके साथ साथ चलती जाएगी, ये बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। अब जो है स्टेप 3, इनहेल, ये स्टेप 3 हो गया। अब आपको स्टेप 4,
इनहेल स्टेप फोर के पश्चात अब आपको स्टेप फाइव इनहेल स्टेप फाइव के पश्चात स्टेप सिक्स इनहेल स्टेप सिक्स के पश्चात स्टेप सिक्स हो गया। अब आप स्टेप सेवन की ओर जा रहे हैं। स्टेप सेवन है, वैसे ही इनहेल करेंगे और एक्सहेल इनहेल स्टेप सेवन हो गया। अब स्टेप एट इनहेल स्टेप एट खत्म। अब स्टेप नाइन इनहेल और इस प्रकार अब स्टेप टेन इनहेल अब स्टेप टेन खत्म। अब आप बिल्कुल आंखें बंद रहेंगी आपकी, अपने आप को पूरी तरह से आरामदायक महसूस करेंगे आप। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो ध्वनि है, ये जो ध्वनि निकली है आपके बिंदु से होते हुए, ये रेल की पटरियों के समान सीधे दोनों एक ही दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको ये महसूस हो रहा होगा, ये जो ध्वनि है ये आपके आसपास ही है, ये गुनगुनाने की आवाज़ बिल्कुल आपके आसपास ही है। आप बहुत दूर जा रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं, आप ऊपर उठते जा रहे हैं,
उठते उठते आप इस ध्वनि के साथ जाते जा रहे हैं और जाकर महाअवतार बाबा जी के चरण कमलों को, देवत्व के चरण कमलों को छूते हुए फिर वापस आ रहे हैं। आप जा रहे हैं पैरों को कमलों, कमल के समान पैरों को छू रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आप जा रहे हैं चरण कमलों को छू रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ये आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका ये क्रिया जो है चलते जा रहा है। आप अकेले यात्रा कर रहे हैं। अकेले यात्रा करने का जो डर रहता है वो बिल्कुल निकल गया है, और ये ज़रूरी भी है। बहुत से लोग अकेले यात्रा करने से डरते हैं, लेकिन यहाँ ये डर पूरी तरह से निकल जा रहा है, बिल्कुल निकल गया है। और हम अब धीरे धीरे आप दोनों हाथों को मलिए और आँखों को लगाते हुए, चेहरों को सहलाते हुए अब आप ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हुए आप सिर को 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर हाथों को मलते हुए आप उसे अपने सामने रखिए और ये जो अनुभूति है ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। और अगला जो स्टेप है 21 दिन के पश्चात 22वां दिन जो स्टेप 12 आएगा, उसमें हम पुरुष और प्रकृति के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः।